नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। उपायुक्त ने शेल्टर होम का निरीक्षण कर दिया जरूरी संदेश। राधा स्वामी आश्रम व्यास, निनाण और खरक कला स्कूल में किया दौरा। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, आम जन से की लॉकडाउन की पालना करने की अपील। वर्षों के बाद बंद हुए देवसर माता मंदिर के कपाट, रामनवमी के दिन भी देवसर धाम में दिखा लॉकडाउन का पूरा असर। सीएम फ्लाइंग की मनोरंजक मुहिम, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किया जागरूक। निकटवर्ती गांव तिगड़ाना में दिखा संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना वायरस से समाज को बचाने की हर कोशिश में जुटा राधा स्वामी सत्संग दिनोद आश्रम। नगर के अनेक चौराहों पर नाकेबंदी की गई है और पुलिस पर्सनल खड़े होकर के दिन रात इस ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को जिला उपायुक्त ने शहर में बने शेल्टर होम्स का निरीक्षण किया। बेसहारा लोगों के लिए इस संकट की घड़ी में बनाए गए शेल्टर होम की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, साथ ही यहां ठहरे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी की। रोहतक रोड पर स्थित राधा स्वामी व्यास आश्रम में ठहरे लोगों को संबोधित करते हुए उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते सभी को अपने घरों या जहां पर वे हैं वहीं पर रहना जरूरी किया गया है, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हर जरूरतमंद लोगों के लिए हर संभव रहने व भोजन की व्यवस्था की जा रही है व बेघर लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं बनने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले भर में जरूरतमंद लोगों के ठहरने के लिए शेल्टर होम स्थापित किए गए हैं, वहीं पर उनके भोजन का उचित प्रबंध भी किया गया है। वहीं उन्होंने यहां पर ठहरे लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक लॉकडाउन रहे वे यहीं पर रहें और इस दौरान वे सोशल दूरी बनाए रखें, और यदि किसी को खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत होती है तो वे तुरंत अपने नोडल अधिकारी को बताएं, ताकि समय रहते उनका चेकअप हो सके और दवाई उपलब्ध करवाई जा सके। कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन की पालना करने की अपील के साथ जिला पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई। कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गनीमत है कि भिवानी में अभी तक कोरोना का कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, फिर भी प्रशासन व पुलिस सतर्कता बरते हुए हैं। जानलेवा संक्रमण व आम जन द्वारा सावधानी बरतने के बाद भी कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को समझाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें सिटी सदर, सिविल लाइन, औद्योगिक क्षेत्र व CIA थाना प्रभारी, कई PCR व बाइक राइडर शामिल रही। इस दौरान सिटी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए लोगों को जागरूक कर अपील की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में सब्जी की दुकानें खुलने का समय सुबह 7 से 10 बजे व शाम को 4 से 7 बजे निर्धारित किया गया है। ऐसे में जो लोग पूरा दिन सब्जी के बहाने घरों से निकल रहे थे, उस पर रोक लगाई जा रही है। वहीं सरकार, प्रशासन व पुलिस के बार बार निर्देश जारी करने पर भी कुछ लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। जरूरत है इस जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता व समझदारी दिखाते हुए निर्देशों के पालन करने की। इसी में अपनी और देश की भलाई है।
आज फ्लैग मार्च किया गया है और दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 खुल जाएंगी। तो जो लोग काम का उल्लंघन करेगा सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? उनका चालान किया जा रहा है। तो आप क्या दिशा निर्देश देंगे? फ्लैग मार्च ये दिया जा रहा है कि सभी दुकानें सुबह 7 से 10 तक और शाम 4 से 7 बजे तक, अगर और कोई बिना उसे भुगतान पाया गया उसे चालान किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए लॉकडाउन की घोषणा को ध्यान में रखते हुए छोटी काशी के मंदिरों के कपाट भी बंद किए गए हैं। नवरात्र के आखिरी दिन सभी मंदिरों में लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला। यहां के सबसे प्राचीन देवसर धाम के कपाट भी रामनवमी के दिन बंद रहे। देश में फैली भयंकर महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन द्वारा पूरे देश में 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, जिसके चलते शहर भर में सभी प्राचीन मंदिरों के कपाट भी लॉकडाउन की समय सीमा तक बंद कर दिए गए थे, जिसका पूरा असर आज रामनवमी तथा नवरात्रि के आखिरी दिन में शहर के सबसे प्राचीन मंदिर देवसर धाम में देखा जा सकता है। वहीं मंदिर के पुजारी कंवर पाल ने बताया कि 7000 सालों में पहली बार एक ऐसी महामारी आई है जिसके चलते मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं। उनका कहना था कि पूरा देवसर धाम ट्रस्ट इस लॉकडाउन में प्रशासन व सरकार का पूर्ण सहयोग करेगा। साल के इतिहास में हमने पहली बार ऐसा सुना है कि नवरात्रों में माता का इतना बड़ा धाम हमने पहली बार ऐसा सुना है कि बंद रहा हो। करना चाहूँगा कि सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का कर रखा है देश में, इसका पालन करें। सभी ने मिलकर के एक मुहिम चलाई है कि भाई कोई भी यात्री नहीं आएगा। सभी देशवासी प्रधानमंत्री की योजना से उस पर अटल रहेंगे। भारी मंदिर में लगता था, किसी ने भी यहाँ कोई भी यात्री नहीं आया मंदिर में। सभी ने अपने घरों पर ही अपनी पूजा पाठ की है और आज रामनवमी है, इसलिए सभी ने अपने वहाँ सभी ने अपने गौओं को ही अपने जो भी नवरात्रि की है गौओं ने खिलाया। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं देवसर धाम दुर्गा मंदिर का पुजारी हूँ, मेरी तरफ से रामनवमी की सबको शुभकामनाएं और रामवासियों को देशवासियों को मेरी अपील है कि जो है लॉकडाउन का जो समर्थन करें, इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि इसके सिवाय और बात कोई चारा नहीं है। युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सभी अपने घर पर रहें, घर पर ही माता रानी की पूजा पाठ करें और जितना घर पर रहेंगे उतना देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और देश सुरक्षित इसी में है कि किस दिन जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है लॉकडाउन का पालन करें उसको सभी मान्य करें। लॉकडाउन के चलते नगर में सीएम फ्लाइंग ने पुलिस के साथ मिलकर मनोरंजक मुहिम शुरू की है। इसके अंतर्गत पुलिस ने गानों के माध्यम से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की और नियम तोड़ने वालों को फूल देते हुए जागरूक किया। पुलिस कर्मियों ने गाना गाते हुए लोगों को इस संकट की घड़ी का सामना करने का संदेश दिया। दोपहर को आज एकाएक हासी गेट पर सीएम फ्लाइंग व स्थानीय पुलिस ने एक अनूठी मुहिम शुरू की। सीएम फ्लाइंग के एसआई सतपाल सिंह द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गाने के माध्यम से बताया गया कि घर की सीमा लांघना कितना खतरनाक है, घरों में रहकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। ऐसे लोगों के साथ सीएम फ्लाइंग ने पहली बार ऐसा व्यवहार किया, साथ ही ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें भी फूल देकर सम्मानित किया गया। वहीं सीएम फ्लाइंग के एसआई सतपाल सिंह ने बताया कि सीआईडी चीफ के निर्देश पर लोगों को मनोरंजक तौर पर जागरूक करने का बेड़ा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना जानलेवा बीमारी है, इसे लॉकडाउन के नियमों की पालना करके ही हराया जा सकता है। निश्चित तौर पर वैश्विक महामारी कोरोना को खत्म करने के लिए सभी के सहयोग व जागरूकता का होना जरूरी है। जब आमजन सरकार व स्वास्थ्य विभाग के नियमों की पालना करेगा तभी कोरोना को हराया जा सकता है। आप सभी को इस बारे में पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे अपील की थी और उसके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी खट्टर, हमारे डीजीपी साहब और हमारे एडीजीपी सीआईडी सुनील कुमार राव के मार्गदर्शन से ये प्यारा सा गाना बनाया लोगों को अवेयर करने के लिए। इसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर। गाना जो लिखा है वो किसने लिखा है, किस प्रकार से इसको जो है गाया गया है? ये गीत सूरज डावला है जो विजिलेंस करनाल में कार्यरत है, उसने प्यारा सा सॉन्ग लिखा है और मैंने इसको गाया है। क्या बोल है सर? इस गाने के बोल है, डॉक्टर और पुलिस का लोगो सपोर्ट करो ना, अपने घर की घर की लक्ष्मण रेखा तुम पार करो ना,
घर की लक्ष्मण रेखा तुम पार करो ना। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है आखिरकार, क्योंकि कर्फ्यू जो है वो भी जनता कर्फ्यू भी लगाया गया था, उसके बाद लॉकडाउन किया गया है, इसकी जरूरत जो है वो क्यों पड़ रही है सर? क्योंकि आप सभी को पता है कि एक संक्रमण है, एक लोग से दूसरे लोगों पर लग जाता है, एक छुआछाप की बीमारी समझिए, इसलिए लोग अपने घरों में रहेंगे, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जमात भी इकट्ठा नहीं होंगे, तो फैलने के कम चांस रहेंगे, सतर्कता ही सबसे अच्छी बात। कोरोना वायरस के विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं हर संभव मदद में आगे आ रही हैं। इसी को देखते हुए राधा स्वामी सत्संग आश्रम के परम संत कंवर साहिब महाराज ने तिनोद गांव को सैनिटाइज कराया। महाराज ने खुद इस कार्य की शुरुआत करते हुए एक हफ्ते में दूसरी बार ये कार्य किया। राधा स्वामी सत्संग दिनोद के परम संत सतगुरु कंवर साहिब जी महाराज ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार पूरे दिनोद गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। वहीं आपको बता दें कि 8 ट्रैक्टर द्वारा गांव की हर गली व घर पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया तथा सैनिटाइजर साजिद गांव की शुरुआत स्वयं कंवर साहिब द्वारा की गई। वहीं प्रदेश की जनता के नाम संदेश देते हुए गुरु महाराज ने कहा कि इस महामारी के विकराल रूप को देखते हुए सभी के सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन के दिशा अनुसार अपने घर में ही रहें। उन्होंने कहा कि यदि सभी ने इसका पालन नहीं किया तो ये सुरक्षा चक्र टूटने का खतरा बना रहेगा। साथ ही उनका कहना था कि इस वैश्विक महामारी से निपटने हेतु सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, परंतु ये तभी सार्थक होंगे जब हम इसमें पूर्णतः सहयोग करेंगे। कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए जिले के गांव तिगड़ाना को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। गांव तिगड़ाना के चारों तरफ मुख्य मार्गों पर नाके लगाए गए हैं। गांव में आने जाने वालों पर पूरी नजर रखते हुए गांव में आने वालों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही गांव के सरपंच के आदेशानुसार ही गांव के अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी को देखते हुए निकटवर्ती गांव तिगड़ाना में नाके लगाकर संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। इस अवसर पर गांव से ना तो किसी को निकलने दिया जा रहा है और ना ही किसी को आने दिया जा रहा है। वहीं पंचायत प्रतिनिधि अनिल पंच, एडवोकेट मंजीत, शुभम, डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर बोबी ने बताया कि वे पुलिस कर्मचारियों की तरह से नाकाबंदी करके देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि भारतीय नागरिक अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रख सके। हाँ जी, आपका शुभ नाम? शुभम। शुभम, क्या व्यवस्था बना रखी है आज गांव में आपने? व्यवस्था ऐसी बना रखी जी, गांव से आगे बाहर का आदमी कोई भी एंट्री नहीं होना चाहिए और गांव से गांव का आदमी कोई भी सिटी में नहीं जाना चाहिए, ना कहीं जाएगा। और कहाँ कहाँ नाके लगा रखे आपने? गांव के चारों तरफ, चारों तरफ गांव के जो भी मेन रोड पड़ता है जहाँ से बाहर का आदमी आ सकता है दूसरे गांव का, हमने वो व्यवस्था बना रखी है कि गांव का कोई भी आदमी एंट्री नहीं होगा और ना बाहर एग्जिट होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल है, मैं पंचायत मेंबर हूँ वार्ड नंबर 13 से तिगड़ाना गाँव। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई कोई भी महामारी चल रही है जो कोविड की, इसको इससे बचा जा सके, कोई बाहर का आदमी अंदर ना आए, अंदर का आदमी बाहर ना जाए। आज पूरा लॉकडाउन है हमारे गांव में, कोई भी आदमी बाहर का अंदर नहीं आ रहा और अंदर से बाहर नहीं जा रहा। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के 10वें दिन भिवानी हलचल की टीम ने भी नगर के अनेक क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति देखी और साथ ही नगर के अनेक गणमान्य लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग देने की अपील की। लॉकडाउन के 10वें दिन क्या है आपके अपने शहर के हालात, चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है दादरी गेट का हनुमान मंदिर क्षेत्र एरिया और पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के बाद इस एरिए में पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है। ये पीछे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा जो है हनुमान गेट क्षेत्र एरिया है, इस पर पूरी तरह से जो है लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और लॉकडाउन के साथ साथ पूरी स्थिति यहाँ समझी हुई है, सभी दुकानें बंद हैं, पूरा एरिया पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से पूरा एरिया सील है और जहाँ तक है दुकानें बंद हैं और पूरा क्षेत्र पूरा एरिया पूरी तरह से बंद किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने घरों में ही रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें।
अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वारी चाहिए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं, तो जिसको जो भी सुझाव है वो हेल्पलाइन नंबर से लेके अपनी क्वारी का बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9590503973131। एक तो ये नंबर है, एक भिवानी का है 01664 कोड लगा के 242130 नंबर है, एक हमारा 108 नंबर। आज भगवान श्री राम भारत की आत्मा के पांच तत्वों का मर्यादा पुरुषोत्तम जी का जन्म उत्सव है और उन्होंने भी 14 वर्ष वनवास किया था। वनवास में रहकर अपने आप पर सीमित रहे थे वो, तो आप लोग ये लॉकडाउन को ना तोड़े। हम एक सप्ताह के अंदर हम आज परिपक्व हो चुके हैं, हमें आदत हो चुकी है रहने घर पे। आप सभी अपने घर पे रहे, ये जो आने वाला टाइम है ये बहुत बड़ा तपस्या का समय है और यही निर्णायक टाइमिंग होगा। अभी दो दिन से कुछ लोग काफ़ी लोग शहर में घूम रहे हैं, हमारे भी मंदिरों के मैन गेट खुलवा रहे हैं, हम खोल नहीं रहे। और जो घर में बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन है वो अपने पोतर दोतर सभी को समझाएं और ये जो अभी लास्ट टाइमिंग है कुछ देख दिन का, इसमें अपने आप पर पूरा संयमित रहकर घर पे रहे। हम युद्ध जीतने की स्थिति में हैं लेकिन कुछ मूर्खों के किए गए ऐसा दुर्व्यवहार से दिक्कतें बढ़ रही हैं। ये भिवानी का हनुमान डानी गेट है और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से जो है शहर लॉकडाउन है और चौक के ऊपर जो आवाजाही जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है और जो ज़रूरी लोग हैं जो ज़रूरी सामानात की जो चीज़ें हैं वही केवल इसमें दी जा रही हैं और ये सारी सड़कें पूरी तरह से वीरान हो गई हैं और सरकार और प्रशासन का जनता द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सभी भिवानी वासियों को ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो कोरोना फैला हुआ है अपने घरों में रहें और जो मोदी जी ने कहा है उस हिसाब से अब पालन करें, क्योंकि ये अब तो 13 दिन का और रह गया 12 दिन का, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो यदि हम घर पर रहेंगे और फॉलो करेंगे तो मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा और सब ठीक रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भिवानी में अभी तक कोई इसका मरीज नहीं मिला है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ना कोई मिले। फिर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे ये बीमारी फैले। हमने अपनी फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बना हुआ खाना हनुमान जोड़ी मंदिर में बनवा करके सभी साथी मिलके बांट रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जितने भी पैकेट है ये सब ज़रूरतमंदों को जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी संस्था ने भी इसमें सहयोग दिया है। ये सब अच्छा लगता है जब कोई विपता आती है तो इस विपता की घड़ी में सबको अपना कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करूँगा कि जो ये हमारे कोरोना महामारी आई है इससे लड़ने के लिए तैयार रहें और सब बार बार फिर ये अपील है कि अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर नहीं निकले। तो ज़रूरी काम के लिए आपके घर पे ही सारा सामान आ जाएगा, चाहे वो सब्जी है चाहे दूध है या अन्य सामान है। और हमारी संस्थाएं भी महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट, भिवानी सपोर्ट कराटे एसोसिएशन, फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन के तहत भी सुबह नाश्ते में डबोटियाँ और दिन का महंत वैद्यनाथ जी के आशीर्वाद से 800 आदमियों का भोजन, 300 का सुबह और 500 का शाम को विभिन्न कॉलोनियों में जो हमारे प्रवासी भाई हैं, चाहे वो एमपी का मजदूर है, चाहे वो राजस्थान का मजदूर है, चाहे बंगाल का है, चाहे वो यूपी का है, चाहे बिहार का है, हमारी पूरी कोशिश है कि हर आदमी को खाना देंगे, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। प्रशासन की भी यही उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र मोदी जी की भी यही अपील है कि एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। सभी से फिर बार बार यही अपील है कि अपने घरों में रहें, शांति बनाए रखें और कोरोना से घर में बैठ के ही लड़ाई लड़ें। नगर के अनेक चौराहों पर नाकेबंदी की गई है और पुलिस पर्सनल्स खड़े होकर के दिन रात इस ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे शहर में पुलिस ने चाक चौबंद कर रखा है। जितने भी वाहन आ जा रहे हैं
उन सभी की चेकिंग की जा रही है। जितने भी लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं उनके पासेस भी चेक किए जा रहे हैं और इनकी तर्ज पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ अनेक सामाजिक संगठन भी इस कार्य में जुटे हुए हैं। मैं देवराज मेहता प्रधान दबाव विक्रेता से सभी भिवानी वासियों से अपील करता हूँ, सावधानी बरतें। सावधानी में ही सुरक्षा है, क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ सावधानी है। और आप गर्म पानी का जितना भी प्रयोग कर सकते हैं करें, रात को सोते टाइम जरूर गर्म पानी पिएं और सवेरे उठते ही गर्म पानी पिएं, गरारे करें, भाप लें, ठंडी चीज़ों से परहेज रखें, दही लस्सी कोल्ड ड्रिंक्स केक वगैरह से। और भिवानी में इसी सावधानी की, आप लोगों की सावधानी की वजह से बचाव है, और ये बचाव हमने कायम रखना है। ये तभी कायम रहेगा एक तो आपस में डिस्टेंस बना के रखें, बाहर के आदमी आए उनसे तो खास तौर से डिस्टेंस बना के रखें, और बाकी खाने पीने का पूरा परहेज रखें। मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा कि भिवानी को और हमारे देश को सुखी रखें और कोरोना से जल्द बचाव रखें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने पूरे देश को बचाना है, और जो भी आज कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, डॉक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी फॉरेस्ट और सफाई कर्मचारी, जो अपने हथेली के ऊपर रख के जान जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, मैं सभी से अनुरोध ये भी करता हूँ, इनको आप पूरा सहयोग करें, सफाई कर्मचारियों का, फॉरेस्ट का और डिपार्टमेंट जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस पर की बार इससे बीमारी से बचो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिया है कि उसकी पालना करना हमारे देश को बचाना है। मेरा नाम रेखा राघव, वार्ड नंबर 10 से पार्षद। मैं वार्ड नंबर 10 की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हमारे मोदी जी ने आदेश दिया है कि घर को लक्ष्मण रेखा समझे, उसको पार ना करें, तो मैं व्हाट्सएप के जरिए सबको मैसेज कर रही हूँ कि आप अपने घर रहें और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किराने की दुकानों के लिए समय निर्धारित किया गया है, जो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी, बाकी समय बंद रहेंगी। देख सकते हैं, मैं हूं प्रिया आसीजा और भिवानी हलचल की टीम के साथ आज हम पहुंचे हैं नगर के बेसर चुंगी चौक पर। आइए देखिए कि यहां पे कैसे हैं हालात। आप देख सकते हैं कि पूरा रोड सुनसान है और लोग यहां पे लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए कोई इक्का दुक्का ही वाहन जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से पुलिस भी मुस्तैद है और यहां पर हर तरफ आप देखिए कि चौक के तीनों तरफ चारों तरफ जो है रोड बिल्कुल सुनसान है। लॉकडाउन के 10वें दिन हमारे भिवानी शहर के लोग पूरी तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं। देखा आपने पूरी तरह से यहाँ के रोड बिल्कुल सुनसान है और प्रधानमंत्री के आदेशों की घोषणा के बाद से ही हमारा पूरा जो भिवानी शहर है वो लॉकडाउन की पालना कर रहा है और हमारे यहाँ के भिवानी शहर के लोग पूरी तरह से इस चीज़ में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। भिवानी के हांसी गेट चौक पर हम इस खड़े हैं और आपको पता है कि लॉकडाउन के 10वें दिन हम आपको शहर की अलग अलग जगहों की स्थितियाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये है हांसी गेट से घंटा घर जाने वाला रोड, पूरी तरह से सुनसान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अगर इस रोड की तरफ नज़र डालें तो ये हांसी गेट से हांसी रोड जो है वो है, उस पर देखिए कि आप देख सकते हैं कि किस तरह दुकान के ताले बंद हैं, सभी शटर्स डाउन हैं और भिवानी के लोग पूरी तरह से हमें सहयोग दे रहे हैं। और ये जो रोड है ये भिवानी हांसी गेट से जाता है मैम रोड की तरफ। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन ही आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। पूरी तरह से लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं और जो है प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। भिवानी हलचल की टीम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करती है कि अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
जैसा कि हमने दिखाया कि ये शहर का हांसी गेट है और देखा आपने कि किस तरह से शहर का जाना माना चौक है जहां पे हमेशा वाहनों की लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन लॉकडाउन के 10वें दिन ये किस तरह से सभी दुकानों के ताले बंद हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आइए हम आपकी बात कराते हैं, यहाँ पर ड्यूटी दे रहे पुलिस जी से। सर आप बताएंगे कि ये है करणवीर सिंह जी, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है सर आपको कि लॉकडाउन में लोग आपको कितना सहयोग कर रहे हैं? लोग आने जाने वाले रियर केसेस आते हैं और एवरी बॉडी इज कोऑपरेट टू अस। तो सर आप क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासियों से? हम शहरवासियों से ही अपील करते हैं, यही सजेस्ट करते हैं भाई, आप एक तो अपना मास्क लगा के रखिए और बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी हो तो आप घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज आप अपने घर में रहिए। उसके बाद हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंस मिनिमम 2 मीटर्स होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट माहौल ठीक है यहाँ। देखिए ये है हांसी गेट से नया बाजार जाने वाला रोड, देख सकते हैं आप किस तरह से सभी दुकानें बंद हैं और पुलिस की जिप्सी आप देख सकते हैं अगर कि ये रेगुलर यहाँ पे जो है स्थितियों का जायज़ा ले रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है लॉकडाउन के चलते हुए। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले, कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो घर का परिवार का सिर्फ एक सदस्य ही बाहर निकले और जितना हो सके अपने आप साफ सफाई का ध्यान रखें और मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। धन्यवाद। इस समय हम खड़े हैं शहर के पोस्ट एरिया भगत सिंह चौक पर, जहाँ से सेक्टर 23 और सेक्टर 13 में लोग रहते हैं और जहाँ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक्टर 13 से 23 की तरफ जाने वाले रोड पर बिल्कुल रोड जाम है, केवल जरूरतमंद की चीज़ों के लिए वाहन आ जा रहे हैं, जैसे दूध की ट्रॉली एटसेट्रा। इस समय रोड पर पुलिस के जवान गश्त अपनी दे रहे हैं, पूरी चुस्ती चुस्ती के साथ यहाँ पर खड़े हैं और किसी प्रकार के किसी भी वाहन को आने जाने के लिए मनाही कर रहे हैं और यहाँ तक कि कोई भी पैदल जाने वाला यात्री यहाँ पर अगर जा रहा है तो उसे भी टोका टाकी कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी ड्यूटी करते रहें, कोरोना वायरस महामारी को ज़रूर मात देंगे, ज़रूर उस चेन को तोड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल है, ये एक ऐसा मंजर है जहां पर हम प्रत्येक नागरिक को इस समय ड्यूटी निभाने की ज़रूरत है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम अपने आप को भी बचाएं और देश को भी बचाएं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? संत सिंह। हाँ जी, आपको यहाँ पर सुबह से ड्यूटी पर खड़े हैं तो कैसा आपको लग रहा है, लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, कुछ लग रहा है ऐसा आपको? ना जी, बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका है, जो जरूरतमंद आदमी यहाँ सामान लेने के लिए आते हैं वो भी टाइम चेंज कर दिया, सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7, उसके बीच में बिल्कुल बंद है लॉकडाउन है जी। हाँ जी सर, आप बताइए प्लीज, आपका शुभ नाम? मेरा SPO सुरेंद्र सिंह जी। यहाँ पे पूरी तरह वैसे लॉकडाउन ही है, लेकिन जो जरूरत वाले हैं और ड्यूटी वाले हैं वही जाते हैं यहाँ से जी, और फालतू हम जाने नहीं देते जी। इसमें महामारी का खौफ है और प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी और सरकार, हरियाणा सरकार सब इसी अपील कर रहे, इसी बात में लगे हैं कि हमारी जनता को, हमारी प्रजा को, हम सबको कोरोना जैसी महामारी से बचना चाहिए। वो सभी प्रयास करें, जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, जिनको समझ है, क्योंकि इसके लिए तो सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब इससे बचाए रखना है, समाज को बचाए रखना है। तो यही मेरी अपील है कि जो भी शहरवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, कि इस महामारी से अपने आप को बचाएं, देश को बचाएं, और उसके लिए जो भी समय पर सेवा, समर्थन, सहयोग की ज़रूरत हो सरकार और संस्थाओं का करें, बिल्कुल घर पर रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों को भी घर पर रखें, कुछ ना कुछ अच्छी बात, अच्छे संस्कार दें, अच्छे विचार दें, ताकि बच्चे भी इस बीमारी से बचें और बुराइयों से बचें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आपकी की तमाम खास खबरों पर। उपायुक्त ने शेल्टर होम का निरीक्षण कर दिया जरूरी संदेश। राधा स्वामी आश्रम व्यास, निनाण और खरक कला स्कूल में किया दौरा। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च।
आम जन से की लॉकडाउन की पालना करने की अपील। वर्षों के बाद बंद हुए देवसर माता मंदिर के कपाट, रामनवमी के दिन भी देवसर धाम में दिखा लॉकडाउन का पूरा असर। सीएम फ्लाइंग की मनोरंजक मुहिम, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किया जागरूक। निकटवर्ती गांव टिगराना में दिखा संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना वायरस से समाज को बचाने की हर कोशिश में जुटा राधा स्वामी सत्संग दिनोद आश्रम। नगर के अनेक चौराहों पर नाकेबंदी की गई है और पुलिस पर्सनल्स खड़े होकर के दिन रात इस ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।